हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फिर से अगेन मेरे साथ एक नया चेहरा मिस्टर उमेश तिवारी, बिजनेस कोऑर्डिनेटर, और जो कि एक अपना इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड किया है और काफ़ी लंबे समय से ये मार्केट में छाए हुए हैं और काम कर रहे हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट्स आखिर में क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हमें आखिर में क्यों लेना चाहिए, सब कुछ आज आपको पता चलेगा। आखिर में आपके स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें क्यों लाभदायक हैं, हर चीज़ों का, सबके सवालों का जवाब आपको मिलेगा उमेश जी से। तो उमेश जी, वेलकम टू टगई राजमन। और बाकी आज यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ उमेश जी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में। इनके पास बहुत मैनी टाइप्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो आरओ है, और इनका आरओ बाकी आरओ से काफ़ी बेहतर है। वो बेहतर कैसे है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन वो तो उमेश जी बताएंगे, बिकॉज इनका प्रोडक्ट है, ये अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। तो आपका राजमन सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले ये बताऊँगा कि ब्लूवेल कंपनी एक वेल नोन कंपनी है, और मैं उसमें एज ए बिजनेस कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बट ब्लूवेल सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का नंबर वन एल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर एक एक जो लोगों के माइंड में क्या, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में आरओ क्यों, आरओ हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका लोग कहते हैं कि बाकी अदर अल्टरनेट ऑप्शन है, लाइक कि भाई मिट्टी के घड़े में आप बर्तन उस वाले में पानी पी लो, और या भाई नॉर्मल में आप ऐसे ही पानी पीते रहो, आखिर में क्यों जरूरी क्यों है हमारी लाइफ में इस चीज़ का? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये सब लोगों के माइंड में आता है कि आरओ क्यों जरूरी है। एक्चुअली आप देखते हो कि वाटर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, आप देखते हो सीवर लाइन, जो हमारे जो कॉरपोरेशन का पानी आता है उसमें सीवर लाइन का पानी मिक्स हो जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो भी आपका कहीं ना कहीं पानी को इफेक्ट डालता है। इसीलिए अगर आपको अपने सेहत को ध्यान में रखना है तो आपको अपने घर में आरओ लगाना पड़ेगा, ये आपकी आज के हिसाब से नीड है। ओके, यानी कि आपकी बातों के अनुसार तो ये लगता है कि आखिर में जो लोगों का स्वास्थ्य आजकल ज़्यादा बिगड़ता है, उसका सबसे मेन अगर कारण बोला जाए तो एक तो हमारा पॉल्यूशन, और बाकी वाटर तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन मायने रखता है इस चीज़ के लिए, राइट? एग्जैक्टली सर, यू आर सेइंग राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक चीज़ होता है कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर हमने आरओ लगाया तो लोगों का मानना है कि उसके जो मिनरल्स होते हैं, आरओ प्योरीफायर उसके मिनरल्स को ख़त्म कर देता है, कि ये राइट है या रॉन्ग है, एग्जैक्टली आप बता पाएंगे ये चीज़? सर, ये बहुत ही सही है लोगों का मानना, क्योंकि आरओ 90% तक मिनरल्स को कम कर देता है, जो कि हम यू कैन से कि TDS कंट्रोल, मतलब TDS को रिड्यूस कर देता है 90% तक। जहाँ पे TDS बहुत ज़्यादा है, 2000 है, जो पानी पी नहीं सकते, तो वहाँ पे तो आरओ लगना ही चाहिए। दूसरा, हमने इसके लिए एक बहुत ही एडवांस फीचर डाला है जो कि आपके मिनरल को वेस्ट नहीं होने देगा, रिटेन करेगा, और इसमें एक बहुत ही अच्छी जापनीज कार्टेज है जो कि आपके पानी में मिनरल ऐड करेगी। तो ये उसका जस्ट सॉल्यूशन है ब्लूवेल वाटर प्यूरीफायर। ओके, गुड। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, वो कि अभी आपने एक बीच में एक बात बोला था TDS, हो सकता है कि कई लोगों को ना पता कि एग्जैक्टली TDS क्या है, तो थोड़ा सा बताएंगे TDS एग्जैक्टली क्या रेशियो है उसका, और क्या सही होता है उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू? सर, TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ओके, मतलब पानी के अंदर कितने सॉल्ट है, मतलब पानी नमकीन है तो उसका TDS ज़्यादा होगा, पानी स्वीट है तो उसका TDS कम होगा, जो कि हमारे हाई कोर्ट ने बोला है कि हमें कम से कम 90-100 TDS का पानी ही पीना चाहिए। और हमारे आरओ के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे हम पानी का TDS रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, गुड, ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसको ज़्यादा अगर क्वान्टिटी में पीना तो वो उसको आगे पीछे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ये है कि आपका जो ये आपका एक ब्रांड है ब्लू वेल, तो इनका एक ब्रांड है ब्लू वेल, तो आखिर में ये जो ब्लू वेल ब्रांड है ये बाकी आरओ से क्यों बेहतर है?
आखिर में क्यों हम इस चीज़ को माने, और बाकी मेरे दर्शक, बाकी जो मैं जो भी मेरे व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो किस चीज़ को माने कि आपका आरओ बेस्ट है, क्यों ऐसा, क्या है फीचर्स में खास? एक्चुअली सर, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आरओ वाटर प्योरीफायर की सेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट आपको जैसे मैंने आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि पानी आरओ वाटर प्योरीफायर पानी से मिनरल निकाल देता है, ओके, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जापान से सर्टिफाइड है, जिसको हमारी टेक्नोलॉजी का नाम है मैक टेक्नोलॉजी, ओके, मैक टेक्नोलॉजी MAC, मतलब मैक मतलब मिनरल, दूसरा एल्कलाइन, थर्ड एंटीबैक्टीरियल कार्बन। तो ये आपके पानी में जो मिनरल होते हैं उसको ऐड करता है, दूसरा एल्कलाइन, जैसे आपका आरओ लगता है, आरओ के साथ में मिनरल निकल जाते हैं, साथ ही साथ उसका पीएच लेवल भी कम हो जाता है, ओके, पीएच जो न्यूट्रल वाटर का पीएच होता है वो 7 होता है, जब उस पर हम आरओ लगाते हैं तो मिनरल के साथ साथ पीएच भी डिक्रीज होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके हिसाब इसके लिए हमारा आरओ है जो कि आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, आपके मिनरल को ऐड करेगा, और आपका ये जो पानी है 90 डेज तक बैक्टीरिया वायरस को फ्री रखेगा, ओके, यानी कि अगर हमारे पास पानी अगर इकट्ठा भी रहता तो 3 महीने तक वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, अच्छा मतलब रहेगा, अगर आप टैंक में भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बैक्टीरिया जनरेट होंगे, ओके, राइट। तो यहाँ पर आपने एक बात किया कि पीएच लेवल, राइट, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि आखिर में पीएच लेवल क्या है और क्यों जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो पीएच लेवल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ के बारे में, पीएच लेवल क्या है? सर, जैसा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है कि दिल्ली के अंदर आरओ वाटर प्यूरीफायर की सेलिंग बंद कर दी करना चाहिए, उसका मेन कारण उन्होंने बताया है कि जहाँ पे TDS लेवल बहुत कम है वहाँ पे जब आरओ हम लगाते हैं तो मिनरल के साथ में पीएच भी रिड्यूस हो जाता है, ओके, हमारे जो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड की जो यूनिट होती है हीमोग्लोबिन, उसका जो पीएच लेवल होता है 7.6 होता है, ओके, तो उससे कम होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो इंक्रीज होगा, ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है, पानी का मिनरल के साथ में उसका पीएच भी बूस्टअप कर दिया है, जो कि हमने जापान से एक टेक्नोलॉजी ली है जिसे मैक फिल्टर बोलते हैं, मैक टेक्नोलॉजी, वो आपके पानी के पीएच को बढ़ा देती है, बूस्टअप कर देती है, जिससे आपका जो पीएच लेवल है 8.5 से अप्रोक्स 10 तक होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके और फीचर्स जो होते हैं एल्कलाइन के, जो फायदे होते हैं एल्कलाइन, एक एल्कलाइन पानी बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये पीएच लेवल को बढ़ाता है, बेहतर हाइड्रेशन होता है, आपके जो लीवर होता है उसको खाना पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं जो कि आम वाटर प्यूरीफायर में नहीं मिलती। ओके, यानी कि देखा जाए आपके इस प्रोडक्ट में, यानी ब्लू वेल प्रोडक्ट में जो वाटर प्यूरीफायर है, इसमें जो सबसे खास फीचर मेरी आपको आपकी बातों से मुझे ये लगा, जो मैक टेक्नोलॉजी है जी, ये सबसे बेस्ट फीचर है इस प्रोडक्ट का, यानी कि उमेश जी का कहना ये है कि बाकी किसी अदर प्यूरीफायर में ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी जो कि आपके प्रोडक्ट में है। बिल्कुल, मैक टेक्नोलॉजी बिल्कुल, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी मार्केट में ज़्यादा लोग जानते नहीं है, बट जो लोग जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मशीन आती है, अप्रोक्सीमेट 2 लाख की मशीन आती है, जो कि प्लेट इलेक्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस द्वारा पीएच पानी निकालते हैं, एल्कलाइन पानी, लेकिन हम बहुत ही अपने बजट के अंदर हमने ये आरओ बनाया है, ओके, हाँ, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ओके, गुड। तो यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है बाकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही लो कॉस्ट में है, आपको एग्जैक्टली सबसे लास्ट में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितने का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम नेक्स्ट की, आपका जो ये ब्लू वेल आरओ प्यूरीफायर है, इसका USP क्या है? सर, इसका USP ये है, जैसे आप किसी अदर कंपनी का आरओ परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और जब आप उसका पानी पीते हैं तो उसका पानी एसिडिक हो जाता है, एसिडिक होता है, आपका पीएच नीचे आएगा तो पानी एसिडिक होगा, एसिडिक का हिंदी में बोलते हैं एल्कोहली, ओके, और अगर उसका पीएच अच्छा होगा तो पानी कहलाएगा क्षारीय, अच्छा, मतलब एल्कलाइन वाटर, और एल्कलाइन वाटर इतना ज़्यादा लाभदायक होता है आपके लिए कि आप अगर वो पानी पियोगे तो आपके मतलब आरओ का मेडिसिन है सर, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और जापान की टेक्नोलॉजी है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी है,
बहुत लोग अवेयर हैं, बहुत अवेयर नहीं है, जो जानते हैं वो एल्कलाइन आरओ ही परचेज करते हैं। ओके गुड। तो यार यहाँ पे बस एक मेरा सजेशन यही है कि जैसे सर का कहना है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में या एल्काइन के बारे में जानते हैं वो एग्जैक्टली यही चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, अदरवाइज बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है सर आपसे मेरा कि अगर हम या मैं या कोई भी आखिर में कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी गारंटी क्या है, और दूसरी बात कि अगर किसी ने परचेज भी किया तो आफ्टर सेल सर्विस क्या, उसकी सर्विस क्या है आपके, मतलब आफ्टर सेल सर्विस। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये सभी के माइंड में रहता है कि मैंने आरओ इतना महंगा हाँ। परचेज कर लिया उसके बाद क्या होगा। तो सर हम बताना चाहते हैं कि हमारी एक साल की फुल मशीन की वारंटी है और हम क्वार्टरली सर्विस करते हैं, उसके साथ साथ एक साल कंप्लीट होने के बाद हम कस्टमर को 3 साल तक और सर्विस फ्री देते हैं। तो कुल मिला के 4 साल की सर्विस फ्री है और 1 साल की पूरी वारंटी है। ओके ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आफ्टर सेल सर्विस मतलब 1 साल + 3 साल यानी टोटल 4 साल। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे उमेश जी ने एक ऐसा प्लान किया हुआ है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया तो उस टाइम के बाद ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे इजीली आप बस अपने इशू को इरेज कीजिए, आपके पास टेक्नीशियन यानी जो भी इनका सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी उसको ठीक करने वाला इंजीनियर है, वो आपके घर पे विजिट करके सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वो उसको सॉल्व कर देगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो ये बाकी आई हैव नो आइडिया कि बाकी लोग ये चीज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ इनकी जो सोच है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पहली बात प्रोडक्ट तो सेल करो लेकिन उसके साथ साथ की सर्विस कैसे देना है। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट बस बेच दिया बाकी वो खराब होने के बाद में पता चला हम एक एक पार्ट्स के लिए भटक रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर सर के प्रोडक्ट में सबसे मेन खास और सबसे खास बात यही है कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। और यहाँ पर बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अगर जो ये आरओ प्योरीफायर आपका ब्लू वेल है इसको अगर मेरे को या किसी को मेरे को परचेस करना, मैं तो आपसे डायरेक्टली ले लूंगा, बाकी अगर किसी को अगर आप परचेस करना है तो वो कैसे परचेस कर सकते हैं और कहां से परचेस कर सकते हैं। देखो सर अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की तो कोई भी अमेजोन से ऑल इंडिया में कहीं भी अमेजोन स्नैपडील से तो परचेज कर ही सकता है, ठीक है। और अगर कोई आपके थ्रू भी अगर कोई बोलता है तो आपके थ्रू भी परचेज कर सकता है, आपको लिंक दे दूंगा मैं उसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन परचेज करेगा उससे भी 10% अगर सर के थ्रू कोई परचेज करता है तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप सभी व्यूअर्स आपके सभी सब्सक्राइबर को अगर आप लोग कोई भी अगर सर का ब्रांड परचेज करते हैं वो मेरे थ्रू तो आपको 10% का डिस्काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही मिल जाएगा। तो ये कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सर ने यहाँ पे ऑफर किया कि आप सबके लिए कि मतलब जो कोई भी अगर परचेज करना चाहता है तो वहाँ पे 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। बाकी सर का डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इनकी वेबसाइट के डिटेल, की वेबसाइट, सब कुछ एक्सवाइजेड सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर मेरे लिए अगर कोई आपको क्वेरी करनी है तो आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्व पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर से कॉन्टैक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, नंबर, ईमेल आईडी, एक्सवाइजेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि इतनी सारी बातें जो एक आम इंसान के माइंड में जो चीज़ें रहती हैं, जो कन्फ्यूज़न रहती हैं, सर ने काफ़ी क्लियर कर दिया है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है, डिस्क्रिप्शन में है नंबर, कॉल उठाइए, सर से सीधा बात कीजिए, सारा सॉल्यूशन सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको यहाँ पे बात करने का मौका मिलेगा, वो भी उमेश जी से, जहाँ पर अपनी आप प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप आरओ लेने की सोच रहे हैं तो। बस फ्रेंड यहाँ पे था एक ये अपडेट और एक लेटेस्ट वीडियो आप सबके लिए, ताकि आपके स्वास्थ्य का भी यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको पता है अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी बस फिलहाल की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और उमेश जी आपका मुझसे जुड़ने के लिए, आने के लिए, समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच, और आपने बिल्कुल आपने टाइम दिया। और बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट परचेस करना कॉन्टैक्ट कीजिए सर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कॉल कीजिए। और इस तरीके से सर बाकी आपको बता दें, एक प्रोडक्ट लाया है यहाँ पे इन्होंने, सर ने अपने एक सर के पास मैनी टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे सर ने एक प्रोडक्ट लाया है, तो मैं आपको लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा कि इनका एक प्रोडक्ट है, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व और पे मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ पे सर का जो प्रोडक्ट है वो ये है, काफ़ी बड़ा है, तो ये
इतना दिखेगा नहीं, बाकी देख सकते हैं आप यहाँ पे ही रहा। तो ये सर का प्रोडक्ट है, काफ़ी हाईटेक है और यहाँ पे सर ने सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पे मेंटेन करके इसको पैकेजिंग बनाया। बाकी इसकी पूरी अनबॉक्सिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह एनएक्स वाइजेड सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब हैं, सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो यार बस सोचने का नहीं, उठाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉल कीजिए, सर को कॉन्टेक्ट कीजिए। बस फ्रेंड, फिलहाल की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। चलो सर।